ये स्टोर है, यहाँ पे आपको तकरीबन सारी चीज़ें जो है मिल जाती हैं, गीगाट्रॉन नाम से जो है जाना जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? मैं आज जो है वो ट्राइपॉड स्टैंड परचेज करने जा रहा हूँ। ओके। मैंने ऑर्डर किया था ऑनलाइन और यहाँ पर चलती है गीगाट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है ऑनलाइन, तो वहाँ से मैंने ऑर्डर किया था। उनके स्टोर में जाके, उनके स्टोर में अवेलेबल नहीं था तो उन्होंने ऑर्डर किया और अब उनके पास आ चुका है। तो मैंने कहा अब चलते हैं, साथ में आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो है वो ट्राइपॉड स्टैंड जो मैंने ऑर्डर किया था इस मोबाइल के लिए, ताकि पकड़ के आसानी से जाया जा सके। अच्छा, हमको सिखा दिया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शेक करता है। तो आपको दिखाते हैं साथ में स्टोर, और आज का मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा है। तो मिलते हैं आपको स्टोर पे। ये लें जी, अभी हम पहुंच गए हैं गीगाट्रॉन के ऊपर, ये गीगाट्रॉन स्टोर है, और अब स्टोर में जाके जो है वो परचेज करनी है हमने। जो है मैं गीगाट्रॉन स्टोर के ऊपर आ गया, तो अभी जो है इनसे लेते हैं, ले के फिर बताते हैं कि कितने का मुझे मिला है, और उसकी अनबॉक्सिंग वगैरह जो है वो करते हैं। ये स्टोर है, यहाँ पे आपको तकरीबन सारी चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं, गीगाट्रॉन नाम से जो है वो जाना जाता है। ओके, जो है वो गीगाट्रॉन से जो है वो परचेज कर लिया है। ये है जी हमारे पास गीगाट्रॉन की तरफ से जो हमने ट्राइपॉड स्टैंड जो था वो परचेज किया था। अब हम जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं। फाइनली जी हम पहुंच गए यूनिवर्सिटी। जी हमारी मोहब्बत, कितना इंतज़ार करवाया तुमने, कितना वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। ये है जी हमारा जॉबी का ट्राइपॉड स्टैंड, जिसे अब हम अनबॉक्स करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि इसमें हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो चलिए फिर अनबॉक्स करते हैं हमारे जॉबी को, और देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। ये आ गया जी हमारा बाहर जॉबी का, ये पैकिंग है जी, और इसके अंदर सबसे पहले जो चीज़ है वो ये अवेलेबल है, जो कि ट्राइपॉड स्टैंड है, इसको हम रख देते हैं इधर। और दूसरा जो है हमारे पास चीज़ मौजूद है वो ये है जी, ये वाला माउंट, और ये माउंट जो है ये काफ़ी सॉलिड सा बना हुआ है, तो हम इसको जो है ना ऐसे यूज़ कर सकते हैं ये इस तरह से। तो इसको परचेज़ करने का मकसद भी यही था कि हम एक अच्छी सी जो है इसके साथ ब्लॉगिंग कर सकें। अब हम इसको अटैच करते हैं इसके साथ और देखते हैं कि इसका जो साइज़ है हमारा, क्या बोला तूने, इसका जो साइज़ है, जो साइज़ है, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है, साइज़ है हमारे साथ वो कंपेटेबल होता है, और कैसा हमारे पास जो है वो वीडियो का स्ट्रक्चर वगैरह इसके ज़रिए से आता है। सो काफ़ी सॉलिड लग रहा है, और अगर हम इसको ऐसे करके इस तरह से अगर बनाते हैं तो इट विल लुक वेरी नाइस। सो लुक नाइस, काफ़ी सॉलिड भी है और काम भी काफ़ी आने वाला है। तो अब जो है वो मैं ये वाला जो कैमरा है इसको इसके ऊपर माउंट करूँगा, और देखेंगे कि हमारे पास जो है वो किस तरह की इसकी क्वालिटी आती है, चल के देखेंगे कि कैसा जो है ये हमारे पास चलता है। और ये वाला जो एंगल है ये मैंने सेट कर लिया है अब जो भी के ऊपर, और इट लुक नाइस। अब हम इसको जो है वो हैंड हेल्ड देखते हैं कि हमारे पास जो है इसकी क्वालिटी कैसी आती है। अगर हम चल रहे हैं तो हमारे पास जो शेकिंग है वो ज़्यादा तो नहीं आती, इट लुक स्मूथ, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ जो है वो वीडियो होगी अब इसके ज़रिए से। तो ये था जी हमारा आज का व्लॉग, जिसके अंदर हमने जो भी का जो है ट्राइपॉड स्टैंड उसका अनबॉक्स किया था। तो मिलते हैं फिर अगले किसी व्लॉग के अंदर आपके साथ, तब के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय।